नाम है दीप्ति मूलचंदानी, मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ। ध्यान से जुड़े हुए मुझे करीब 10 साल हो चुके हैं। पत्री सर आए थे भुवनेश्वर हमारे एक मित्र के यहाँ, वहाँ मेरी उनके साथ पहली मुलाकात हुई और हम लोग ध्यान करने बैठे। वो मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव था। ध्यान से उठने के बाद मुझे इतना स्फूर्ति और एनर्जी का आभास हुआ जिसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तो ऐसा लगा कि ध्यान मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। और मैं पत्री सर ने कहा कि अगर फ़ायदा चाहते हो तो जितने साल आपकी उम्र है उतने मिनट कम से कम आपको रोज़ ध्यान करना चाहिए। तो मैंने इस नियम को फॉलो किया और मैं रोज़ ध्यान करने लगी। और अब तो ऐसा हो गया है कि कब एक घंटा हो जाता है, दो घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उठने के बाद इतना आनंद और खुशी महसूस होती है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और सिखाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जो खुशी मुझे हासिल हो रही है वो मुझे औरों को भी देनी चाहिए। तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। मेरे संपर्क में कई लोग ऐसे आए। एक बार का किस्सा बताती हूँ। मैं घूमने के लिए गई थी अपने हस्बैंड के साथ जैसलमेर। वहाँ पे हम लोग डेजर्ट घूमने के लिए गए। वहाँ 8-10 फॉरेनर्स आए हुए थे। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको ध्यान के लिए बिठाया और उनको ध्यान के बारे में समझाया। और मैंने बोला आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और ध्यान करने हम लोग बैठे, करते करते एक घंटा कब बीत गया हम लोग को पता ही नहीं चला। और जब मैंने उनको बोला अब आप अपनी आंखें खोलिए और उन्होंने घड़ी देखी तो सब आश्चर्य में पड़ गए और उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद वो सारे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बन गए। हम लोग आज भी कभी कभी फेसबुक पे बात करते हैं और ध्यान के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगता है। और अब तो ऐसा है कि मैं जहाँ भी आती जाती हूँ, मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग में रहता है, तो कोई भी मिलता है, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, पास में कोई बैठा रहता है, मैं बोलती हूँ आप ध्यान करते हो? अच्छा, नहीं करते हो तो बैठो, आँख बंद करो और 5 मिनट में आप बताना मुझे आपको कैसा फील हो रहा है। तो ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने कई लोगों को ध्यान के प्रति अवगत कराया है। ध्यान बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और सबसे प्यारी बात यह है कि इसे हर उम्र वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। छोटे बच्चे से लेकर, जवान से लेकर बुज़ुर्ग तक कोई भी इसे कर सकता है और बराबर फ़ायदा ले सकता है। और इसको करने की विधि भी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसके लिए हमें करना क्या है, अपने हाथ और चौकड़ी मार के बैठना है और हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और आँखों को धीरे से बंद करना है और सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों की ओर ध्यान देना है। विचारों से शून्य हो जाने की, हमको अपने विचारों से शून्य हो जाना है। भले ही उस बीच में हमारे विचार आते हैं, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। विचार आए चले जाएं, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और धीरे 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 करते हुए एक स्थिति आती है जब हमारे मस्तिष्क में विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है, शून्यता आने लगती है। वो परम स्थिति होती है, बहुत ही आनंद की स्थिति होती है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको कोई भी कर, अभ्यास के साथ ये कोई भी कर सकता है। और इसके फायदे बहुत ही अनेकानेक हैं और इसको किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जितनी आपकी उम्र हो, अगर 30 साल के हो तो आप 30 मिनट कम से कम करो तो आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो और किसी भी समय कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है। जब से मैं ध्यान में आई हूँ तो जहाँ जहाँ भी ध्यान का इवेंट्स होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। उसका बड़ा ही फ़ायदा मैंने महसूस किया है। एक तो हम ग्रुप मेडिटेशन करने का मौका मिलता है जिसका अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है जो कि हमें हर तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। और फिर उसके बाद हम लोग वहां पर कई तरह की बुक्स की बातें करते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, बुक्स के बारे में बात होता है, स्टॉल्स लगे होते हैं। मैंने कई बुक्स खरीदी हैं, फिर उनको रीडिंग किया है, उससे बहुत ही ज्ञान बढ़ता है और अध्ययन की प्रवृत्ति में बहुत ही फ़ायदा हुआ है।
कई तरीके की बुक्स वहाँ पे मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और फिर हम लोग सब आपस में ध्यानी लोग बैठ के उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है। स्पिरिचुअल इंडिया, ध्यान भारत, ये मैगजीन्स हैं जो हम लोग ने सब्सक्राइब कराई हुई हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होती हैं उसमें, कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, संतों के बारे में पता चलता है, मास्टर्स के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसे कैसे इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। और वो सब, सबसे खूबसूरत बात तो यह है, ध्यान में जाने के बाद पता चला कि वो सब हम भी कर सकते हैं। ध्यान में आने के बाद हम जितना जितना ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, स्वतः हमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते जाएंगे और हमारा हर तरीके से ग्रोथ होगा। तो अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको ध्यान को अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बनाना चाहिए, हम सबको ध्यानी बनना चाहिए। ध्यानी बनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा।